अस्सलाम वालेकुम, आज है मंडे। मंडे के दिन हम जो वर्कआउट करेंगे वो करेंगे हम चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट के वर्कआउट में जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, आज जो एक्सरसाइज करेंगे हम करेंगे 6 वर्कआउट। सबसे पहले हम करेंगे वार्मअप। वार्मअप कैसे करेंगे? बटरफ्लाई पे 3 की प्लेट के साथ आपने 20 रैप्स करने हैं और हर साइड पे मसल को स्क्वीज करना है। जब हमारा ये इसको करना स्लो स्लो, ज्यादा तेजी से नहीं करना वार्मअप, ठीक है? जितना अच्छा वार्मअप करेंगे आप एक्सरसाइज को उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हम अपने चलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। चले आ जाए। अब हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा हमारा, हम इसको क्रॉस ओवर को नीचे से अपराइट करेंगे, ठीक है? कैसे परफॉर्म करेंगे? थोड़ा आगे बेंड हो जाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, आगे बेंड हो गए, अब ऊपर की तरफ मसल को स्क्वीज करेंगे, ठीक है? इसको आगे बेंड होकर लगाना है ताकि जो आपकी जो लोअर चेस्ट है उसमें प्रॉपर हिट हो। कुछ लोग कहते हैं ये इनर की चेस्ट है, बट इनर की एक्सरसाइज है, बट ये इनर की एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके साइड्स और लोअर की एक्सरसाइज है। इसके हम करेंगे 3 सेट्स। 3 सेट्स कैसे परफॉर्म करेंगे? 2 के साथ हम 10 रैप्स करेंगे, 2 प्लेट्स के साथ, फिर 1 प्लेट ऐड करके उसके 10 रैप्स करेंगे, फिर 1 प्लेट ऐड करेंगे। मुश्किल होगा बट आपने परफॉर्म करना है 10 रैप्स। आपने थोड़ा सा आज हार्ड ट्रेनिंग करनी है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। चले नेक्स्ट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में हम कैसे परफॉर्म करेंगे? फ्लैट बेंच पे लेट जाएंगे। इसके हम करेंगे डंबल जो हम होल्ड करेंगे वो करेंगे हम 10 kg का। इसके हम 12 रैप्स करेंगे, लगाएं। जब हमारे 12 रैप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम वेट इंक्रीज करेंगे, उसके हम 10 रैप्स करेंगे। फिर हम वेट इंक्रीज करेंगे, 16 kg का डंबल पकड़ेंगे, उसके हम 10 रैप्स लगाएंगे और कोशिश करेंगे हर सेट हर एंगल के हर रैप के साथ हम मसल को स्क्वीज करें। चलें जी नेक्स्ट। अब हमारे थर्ड वर्कआउट करेंगे। थर्ड वर्कआउट में हम करेंगे इंक्लाइन। इंक्लाइन में आपने दोनों तरफ 20 kg की प्लेट ऐड कर लेनी है और उसके आपने 10 रैप्स करने हैं। ऑल द वे डाउन आना है, चेस्ट को टच करना है और ऑल द वे अप जाना है। टच करना लाजमी, ठीक है? जितना मैक्सिमम नीचे आएगा बॉडी को टच करेंगे, चेस्ट स्ट्रेच होगी और मसल उतना ही आपका डिफाइन में आएगा, ठीक है? कुछ लोग इसको हाफ लगाते हैं यहाँ पे, इतना ये बिल्कुल नहीं लगाना, ये रॉन्ग वर्कआउट है। आपने नीचे मैक्सिमम आना, जितना मैक्सिमम नीचे आएंगे चेस्ट उतनी स्ट्रेच होगी, उतनी शेप में आएगी। इसके आपने 20 की दोनों तरफ प्लेट डाल के आपने उसके 10-10 के 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में आपने रैप में मसल को स्क्वीज करना है। चलें जी नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे, वो करेंगे हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में आपने 8 प्लेट ऐड कर लेनी है, इसकी हमने 15 रैप्स करने हैं। उसके बाद फिर हम 1 प्लेट मजीद ऐड करेंगे, उसके हम 12 रैप्स करेंगे। उसके बाद 1 प्लेट मजीद ऐड करेंगे, उसके हम 10 रैप्स करेंगे। हमारे इसी तरह 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम करेंगे क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में आपने 3 प्लेट्स ऐड कर लेनी है और बेंड हो जाना फुल नीचे और नीचे। यस, इतना बेंड होके अपनी जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एल्बो सिर्फ ऊपर आएंगी, एल्बो ऊपर आएंगी, एल्बो ऊपर नीचे जाके उसको स्क्वीज करना है, ठीक है? इसके हम 12 रैप्स करेंगे 3 की प्लेट के साथ, सेम यही फॉर्म होगी। फिर हम 1 प्लेट मजीद ऐड करेंगे, उसके हम 10 रैप्स करेंगे। फिर हम 5 टोटल हमारी जो 5 प्लेट्स हो जाएंगी दोनों तरफ, उसके फिर हम 10 रैप्स करेंगे और मसल को इसी तरह स्क्वीज करना है बिल्कुल स्ट्रेट बेंड होके। आपने बॉडी को अप एंड डाउन नहीं करना, सिर्फ आपकी एल्बो जो है ना वो उसके ऊपर आएंगी, एल्बो ऊपर करके ऊपर ऊपर, ये चीज ये मूवमेंट होगी आपकी, ठीक है? नेक्स्ट। अब जो हमारा लास्ट वर्कआउट होगा वो होगा सिटिंग बेंच प्रेस। किसी के जिम में मतलब कि इस तरह का मशीन नहीं होता, इक्विपमेंट नहीं होती, वो फ्री में डाल सकते हैं, फ्री वेट होता है। फ्री वेट में दोनों तरफ 20 kg की प्लेट ऐड कर लेनी है और हर सेट में आपने मसल को स्क्वीज करना है, थोड़ा ऊपर से पकड़ेंगे, ठीक है? लगाएं, 12 रैप्स करेंगे इसके, 3 सेट्स करेंगे, 12 रैप्स करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो आप 7 प्लेट्स ऐड करके उसके 12 रैप्स करेंगे, फिर 1 प्लेट मजीद ऐड करके उसके 10 रैप्स करेंगे, फिर 1 प्लेट मजीद ऐड करके आप उसके 10 रैप्स करेंगे, इसी तरह। अब हम लगाएंगे कोर का वर्कआउट। कोर का वर्कआउट, कोर के वर्कआउट में हम करेंगे लोअर एब्डोमिनल को हिट। जैसे कि हमारे काफी जो क्लाइंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा इशू है इन चीजों का, आज हम करके दिखाएंगे कौन सी एक्सरसाइज है जिससे ये परफॉर्म करके ये अपना लोअर एब्डोमिनल खत्म कर सकते हैं। लगाएं। इसके साथ मैं बताता चलूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अपना पेट को बाहर निकाल के चल रहे होते हैं। कोशिश करना कि पेट को हमेशा अंदर करके आपने एक्सरसाइज करनी है और इसी तरह परफॉर्म करना है आपने। इसके हम करेंगे 20-20 के 3 रैप्स। जब भी आप जिम के अंदर एंटर हो तो आप कोशिश करें कि टमी को अंदर की तरफ इनहेल करके वॉक करें। जैसे वो कहते नहीं, लोग अक्सर छेड़ते हैं, यार तू अच्छा ठीक है भाई, बॉडी बिल्डर बन गया, ज्यादा अकड़ाओ के मत चलो, इसी तरह आपने चलना है। खैर, जिम में चलो, बाहर मत चलो ऐसे। चले इसके 3 सेट्स करके हम अपना वर्कआउट करेंगे खत्म। इससे इसके बाद फिर हम करेंगे 3 मिनट्स की रनिंग। अल्लाह हाफिज़।